टेक अ पॉज, थिंक एंड मुझे बताओ कि इस अर्थ में रहने के लिए सबसे अच्छे अडेप्टेड कौन सा ग्रुप है एनिमल किंगडम एनिमिला के अंदर? क्या तुमको लगता है कि वो ह्यूमंस हैं? यदि ऐसा लगता है तो तुम गलत हो। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग को हारना पड़ता है एक छोटी सी चींटी से। हाँ, जो इंसेक्ट्स का जो फाइलम है, मतलब कि फाइलम ऑर्थोपोडा, अर्थ में रहने वाले सबसे सक्सेसफुल एनिमल्स हैं। क्यों? क्योंकि यार उन लोग हर जगह मिलते हैं, ना सिर्फ लैंड में बल्कि वो हमको पानी में मिलेंगे, हवा में मिलेंगे, और उनकी जितनी वैरायटी है ना उतनी किसी भी फाइलम के अंदर नहीं है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस छोटू से अर्थ इंड्यूसिंग बट स्टिल अमेजिंग फाइलम ऑफ द पोडा की। हेलो हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू बी वाई पी बाय यहीं पढ़ेगा। आई एम प्रियांशी, आईआईटीएन हु लव्स बायोलॉजी एंड ऑल्सो टीचर सेट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्थ्रोपोडा के बारे में, जिन्होंने पूरी अर्थ पे कब्जा कर रखा है। पर उन लोग ये कैसे कर पाए, उन्होंने कब्जा कैसे किया? भाई इसके लिए तुम लोग को मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। मेरे को बताओ कि कॉकरोच का कलर क्या होता है? कॉकरोच किस कलर का होता है? ब्राउन, मरून? नहीं यार, पता है कॉकरोच की असली बॉडी होती है वाइट कलर की, और वो बहुत स्क्विशी होती है। नहीं विश्वास करोगे, ये फोटो देखो। ये जो बाहर हम लोग को ब्राउन ब्राउन दिखता है ना, ये असल में होता है कॉकरोच का हार्ड एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन बोले तो ऐसा स्केलेटन जो कि बॉडी के बाहर है। हमारा स्केलेटन है हड्डियाँ जो कि हमारी बॉडी के अंदर है। इनके पास भी एक ऐसी कड़ी कड़ी स्ट्रक्चर होता है, पर वो उनकी बॉडी के बाहर होता है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं एक्सो मतलब बाहर, स्केलेटन एक्सोस्केलेटन, ठीक है। पर ये बात इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, मतलब एक एक्सोस्केलेटन होना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इन लोगों के लिए? इन भाई इसीलिए क्योंकि इसके पहले जो जो लोग आए थे, जैसे कि हमारे स्पॉन्जेस तो भाई पानी के अंदर रहते थे, उनका बॉडी भी क्या ही बॉडी था। इसके बाद आए थे सीलेंड्रेटा यानी कि जेलीफिश वाला फाइलम। जेलीफिशेस भी बहुत स्क्विशी थी, सॉफ्ट थी, है ना। उसके बाद आते हैं प्लैटीहेलमिंथेस, वो भी तो बहुत स्क्विशी बॉडी है उनकी, है ना। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आते हैं हमारे नेमाटोडा, राउंड वर्म्स, वो भी बहुत सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स थे। और फिर अर्थवर्म को तो सबने देखा है, अर्थवर्म भी बहुत स्क्विशी होता है, सॉफ्ट बॉडी होती है उसकी, है ना। सॉफ्ट बॉडी इतनी नाजुक होने के कारण उनकी बॉडी में लिमिटेशंस थे, उनकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। पर जब इंसेक्ट्स आए, इंसेक्ट्स ने बोला कि यार मैं कब तक सॉफ्ट रहूँगा, मेरे को अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना होगा, तो उन्हें बना दिया ये एक्सोस्केलेटन। और ये तरकीब इतनी काम आई कि इनकी इतनी ज़्यादा स्पीशीज आ गई ना कि पूरे अर्थ में इनने कब्जा करके रखा है अपनी स्पीशी डाइवर्सिटी से। वो हरकत करके जिसके ऊपर इनका हमने नाम ही रख दिया है ऑर्थोपोडा। कौन सी हरकत यार? इन लोगों ने ना, इनके पहले जो लोग थे सारे के सारे वो हमसे सब लोग रेंग रहे थे, तो इन लोगों ने बोला यार मैं नहीं रेंगूंगा, मैं बनाऊंगा पैर, ठीक है, और वो भी ऐसे पैर जिससे मैं फटाफट दौड़ सकूँ। कैसे बनाए इन्होंने? इन्होंने बनाए जॉइंटेड लेग्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास है। हमारा पैर भी ऐसा सीधा नहीं है ना, सीधा पैर नहीं है हमारा। कैसा है? पहले ये वाला हिस्सा है, फिर हमारा घुटना आता है, फिर इसके बाद ऐसा पैर बनता है। काफ़ी ख़राब लग रहा है ये, बट ठीक है। ये थाइस, फिर घुटना, फिर हमारा पेट ऐसा आता है ना। तो यहाँ पे अपन को पता है घुटनों में हमारा जॉइंट होता है ना, जॉइंट होता है हमारा जॉइंट। अच्छा, तुमने वो तेज सुना है डॉक्टर ऑर्थो, या फिर कभी ऑर्थोपेडिक्स, यदि घुटने में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग जाते हैं ऑर्थोपेडिक्स के पास, ठीक है। उन लोग जॉइंट्स जो दो हड्डियों के बीच में जोड़ है उसको, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऑर्थो का मतलब हमेशा होता है जॉइंट, और पोडा का मतलब होता है लेग, ठीक है। पोडा, पीड, पोडिया, ये सारा पी स्पेस स्पेस डी, ठीक है। कुछ और वर्ड भी आ सकता है यहाँ पे, इसका मतलब पर हमेशा होता है लेग्स, ठीक है, बायोलॉजी के टर्म में। हाँ तो हाँ, इन्होंने ऐसे लेग्स बना लिए, इसीलिए लोग फास्ट फास्ट चल पा रहे थे। देखो भाई इन सब लोग को देखो, ये देखो इसके कितने बड़े बड़े पैर हैं, दो दो हिस्से में बटे हैं, है ना। इनको देखो, ये बीटल को ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, दोनों के बीच में घुटना है ना, जॉइंट है यहाँ पे, है ना। मच्छर के तो खूब सारे जॉइंट होते हैं, सबके पास ऐसा दिखेगा, सबके पास, वो भले कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा हो, सबके पास जॉइंटेड लेग्स होंगे, ठीक है। तो
जब साइंटिस्ट लोग इनको पढ़ रहे थे ना, तो उन्हें देखा कि यार ये इंसेक्ट्स ही तो हैं जो सबसे पहले ये हरकत कर पाए हैं। तो उनको ये बात इतनी औसम लगी कि उन्होंने इस फाइलम का नाम ही इस चीज़ पर रख दिया। उन्होंने बोला कि तेरा नाम मैं रखूँगा जॉइंटेड लेग्स, मतलब कि ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है। और यह लार्जेस्ट ग्रुप, मतलब कि इसमें खूब सारी स्पीशीज आती हैं, खूब 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 सारी स्पीशीज आ जाएंगी, ठीक है। और ये बात हमको याद रखनी है कि उनके पास हार्ड स्केलेटन एक्सोस्केलेटन होता है और खूब सारे जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ठीक है भाई। तो अब आगे बढ़ा जाए, इनके बाकी क्या फीचर्स से उनको देख लेते हैं। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो हमको पता है कि यार ऑर्गन्स भी पहले ही बन चुके हैं। सबसे पहले किसे बने थे, पैटियल मेथस में, और ऑर्गन सिस्टम भी तो बन चुके हैं। किसने बनाया सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम, नेमाटोड्स ने। हाँ, बॉडी सिमेट्री कैसी है इसकी, इसकी बॉडी है बायलैटरली सिमेट्रिकल, मतलब कि सिर्फ एक ही प्लेन है जिससे इसको दो इक्वल हिस्सों में बांटा जा सकता है। जैसे कि ये मैंने बनाया बटरफ्लाई, मेरे को इसको इक्वल हिस्से में काटना है तो मैं बस यहाँ से काट सकती हूँ, है ना, वो भी मैंने इक्वल नहीं काटा। बट ओके, जर्मनेस कितने हैं इसके पास, इसके पास है 3 जर्मनेस, क्योंकि यार ऑर्गन बनाने हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाने हैं, दो से थोड़ा काम चलेगा, 3 तो कम से कम होनी होनी है। तो हमें लगता है कि यह है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। क्या इसके पास सीलोम है, यस भाई साहब, बहुत बड़ी सीलोम है, हम लोग देखेंगे अभी आगे। क्या नोटोकॉर्ड है, नहीं, नोटोकॉर्ड तो सिर्फ कॉर्डेटा में होती है, ओनली कॉर्डेटा। एक फाइलम आएगा आगे कॉर्डेटा, उसमें मिलेगी नोटोकॉर्ड, ठीक है, उसके अलावा किसी में नहीं होती। ओके, इसके अलावा ना इनके पास होता है एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या होता है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है ब्लड और हार्ट से मिलके बना होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इनके पास भी ना हमारी तरह दिल तो है, हालांकि इनका दिल बहुत अलग दिखता है। देखो ये कितना चिंदी सा ट्यूबुलर दिल है इसका, ट्यूब ट्यूब वाला दिल है। तो इसका जो दिल है हालांकि अलग सा दिख रहा है, पर वो वही काम करता है, क्या, ब्लड पंप करता है, ठीक है। दिल क्या करता है, दिल ऐसे ऐसे धड़कता है और ब्लड को पंप करता है। तो इनका दिल भी धड़केगा, ब्लड को पंप करेगा, पर इनका जो ब्लड है ना, हमारा ब्लड क्या, ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है ना, ब्लड की नलियाँ हैं, ब्लड उसी के अंदर ट्रैवल करता है ब्लड वेसल्स में। इनके पास कोई ब्लड वेसल्स है ही नहीं, तो क्या, कहाँ जाएगा इनका दिल, सॉरी, कहाँ जाएगा इनका ब्लड। इनका ब्लड ना इनकी बॉडी की जो कैविटी है वो पूरी कैविटियाँ भर जाता है, ठीक है, ऐसे पूरा भर जाएगा हमारा ब्लड, इंसेक्ट्स का ब्लड, ठीक है। फन फैक्ट, इंसेक्ट्स का ब्लड रेड नहीं होता है, उनका ब्लड होता है मरून, येलोइश या ग्रीनिश, ऐसा होता है, ठीक है, बट मैंने रेड बनाया ताकि आसानी से समझ आए, ठीक है। यहाँ पे पूरे में ब्लड भर जाएगा इसका, ठीक है। और क्योंकि इनका ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स की तरह, हमारे तरह ब्लड वेसल्स में नहीं दौड़ता, जबकि खुले में दौड़ता है, ठीक है, पूरी कैविटी में खुले में चला गया, उसको जहाँ मने वहाँ जा सकता है वो, है ना। तो जब ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि खुला है ना ब्लड, ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं है, है ना, याद रखना है। क्योंकि क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पे मिलता है, तो हम लोग लिखना है कि भाई उन्हीं के पास यार जो हार्ड एक्सोस्केलेटन लेके चलते हैं, जिनके पास जॉइंटेड लेग्स हैं। देखो इसके पास भी दिख रहा है ना जॉइंटेड लेग्स, कितने अच्छे दिख रहा है। हाँ, तो ये हो गया फाइलम ऑर्थ्रोपोडा की बात, है ना, ये वही सेम चीज़ का इलस्ट्रेशन है। इसके अलावा थोड़े और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ये भी है एग्जाम्पल ऑर्थ्रोपोडा के, ये लोग भी हैं, और अपने क्रैब, है ना, मैं बताई था पानी में भी रहते हैं लोग, क्रैब भी ऑर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है, और मकड़ी भी, कितने भाई इनकी वैरायटी ख़त्म ही नहीं होती, ठीक है। तो इतना ही है फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के बारे में, नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे और हम लोग पढ़ेंगे मोलस्का को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक करो, लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। बाय दोस्तों, बाय दोस्तों, कल मिलेंगे।